जैसा कि आपको बताते चले कि ललितपुर नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें नगर पालिका की कर्मचारियों द्वारा शहर के रेलवे स्टेशन के पास एक गोलगप्पे के दुकानदार के साथ मारपीट एवं अभद्रता और उसका ठेला पलटने का आरोप लगा है, जिससे उनके काफी नुकसान हो गया और उसे चोटें भी आई हैं। तो वहीं नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा किए गए व्यवहार को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। तो वहीं नगर पालिका के कर्मचारियों ने बताया कि वो नगर में पॉलिथीन को लेकर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने उक्त दुकानदार से पॉलिथीन रखने के बारे में पूछा और बगल से निकली नालियों में गंदगी देखकर उक्त दुकानदार से कहा तो वो भड़क गया और ठेले पर प्याज काटने के लिए रखे चाकू से नगर पालिका के कर्मचारियों को डरा धमका कर गालियां देने लगा, जिससे वहां विवाद की स्थिति पैदा हो गई। नगरपालिका के कर्मचारियों ने बताया कि वो जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागे और इसके बाद उक्त दुकानदार ने स्वयं ही अपना ठेला पलटाकर हम सब लोगों पर ठेले को पलटाने के गंभीर आरोप लगा दिए, जिसकी शिकायत उन्होंने नगरपालिका के उच्च अधिकारियों एवं कोतवाली पुलिस को दी है। बस मैं अपनी रेडी लगाए हुए था, नगर पालिका वाले आए, बोले पॉलोथीन है क्या तुम्हारे पास? मैं बोला नहीं है। उन्होंने देखी, उनको पॉलोथीन नहीं मिली, फिर यहाँ नल्ली में देखी, बोले ये कचरा किसका पड़ा है? मैंने कहा साहब नल्ली है, सबका आता है, बैठ यहाँ यहाँ पे पानी का रुकाव है तो यहाँ आके ठहर जाता है। बोले नहीं, खाली तुम्हारा कचरा ही, ठेला हटाओ यहाँ से। तो मैंने बोला ठीक है हटा लेंगे। बोले नल्ली के उस तरफ लगा। मैंने कहा लगा ले रहे। तो बोले भाई कैसे बात करता है यार। मैंने बोला सही तो बोल रहा हूँ मैं, क्या आपने बोला हटाओ तो हटा रहा हूँ। बस गाली गलौज करने लगे, मारपीट देखो कितनी तेज तेज मारा है। कितने लोग थे? ये लगी है उधर, पूरे 10-15 लोग इकट्ठे, और ये मेरा पूरा दुकान पलटा दी है पड़ी हुई है। क्या क्या था इसमें दुकान में? पहले तो मेरा काउंटर ही टूट गया साहब, 30,000 रुपये का पूरा, और ठेला मिट गया पूरा, और माल था कम से कम 10-15,000 रुपये का, पूरा माल फैल गया। अपने शिकायत करने जा रहे हैं कहीं? नहीं जा रहे, बिल्कुल कोतवाली जाएंगे हम। एसपी के पास जा रहे हैं, मारा है बहुत भयंकर। वो कितना मारा है? ये मेरा बेटा है, आप पीछे दुकान पे? हाँ, ये मेरा बेटा है, दोनों बाप बेटा खड़े हुए थे। कुछ नहीं था, बस पन्नी की चेकिंग करने आए, पन्नी की चेकिंग करने लगे तो पॉलिथीन मिली नहीं। अब इधर पे कचरा देगा उनने कि दोना वगैरह डले, शाम को मोमोज वाला भी लगाता है दोना। हमने इतना बोला कि साहब हम लोगों के दोने थोड़ी हैं इसमें, तो बोलने लगे कि नहीं ये तुम्हारे ही दोने हैं। हमने बोला तू ज़्यादा बोलने लगा, मेरे से बोलने लगे तू ज़्यादा बोल रहा है। हमने बोला साहब हम कहाँ ज़्यादा बोल रहे, सही तो बोल रहे, बस इतने में पापा को। क्या सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में थे कि कोई नशा किए थे? रोड वगैरह चला रहे थे, उन्होंने डंडों से बहुत बहुत भयंकर मारा। वो जो सफाई की राडे लिए रहते वो लगे एकदम बरसा मारने लगे थे। वो तो दुकान में तोड़ फोड़ कर दी, हम लोग अंदर भागे तो पूरा कांच वगैरह तोड़ दिया, तो अंदर हम लोगों का 50,000। ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट।